हमारे पंजाब के पंजाबी खाने जो भी एक दफा खाता है ना, पंजाब के ही गुण गाता है, चाहे वो चढ़दा पंजाब हो या लहंदा पंजाब हो। पंजाब के पंजाबी खाने रवायती तरीके से बनाए जाते हैं, इसमें ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो घर में मौजूद चीजें होती हैं ना, कुदरती चीजें जैसा कि टमाटर, प्याज, सब्ज मिर्च वगैरह, इनको रवायती तरीके से डाल के खानों को इस कदर लजीज और मजेदार बना दिया जाता है कि अगर आपको भूख नहीं तो भी आपका दिल चाहेगा कि मैं इसे बार बार खाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ इमरान है, और ख्वातीनों हजरात, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि इमरान भाई, हम वलायत में होते हैं, परदेश में होते हैं, और हमें अपने प्यारों की याद आती है, खानों की याद आती है, तो कोई आज ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिससे हमें अपने वतन की, अपने घर वालों की याद ताजा हो जाए। सबसे ज्यादा कमेंट्स थे लौकी यानी कि कद्दू दाल चना की रेसिपी। पंजाब में हर घर में बनाई जाती है और ये बड़ी फेमस रेसिपी है। किस तरीके से तैयार की जाती है, मुकम्मल गाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये वीडियो देख के आपको अपने गांव की, अपने पिंड की याद ना आ जाए तो फिर कहिएगा। करना आपने क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है आप चढ़दे पंजाब से हैं या लहंदे पंजाब से हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो चलिए जनाब, इस मजेदार सी रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक मजेदार सा ग्रेवी वाला दानेदार सा मसाला तैयार किया जाता है, जिसमें हमने डाल दिए हैं यहाँ पे क्रश किए हुए प्याज। प्याज को आप अच्छे तरीके से पीस के डाल लें, बारीक काट के डाल लें, चॉपर में डाल के डाल लें, लेकिन प्याज को आपने काट के नहीं डालना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है। घी में ये रेसिपी बड़ी मज़े की बनती है। और इसमें डाले हैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। प्याज के साथ आपने इसमें डाल देना है कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को आपने कूट लेना है, पीसना नहीं है, इसको हल्का सा आपने दरदरा सा रखना है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेना है। तो प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो गए हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ मिर्च और टमाटर। पंजाब के जितने भी खाने होते हैं ना, उसमें सब्ज़ मसाला ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पे लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हल्दी और नमक। बस यही वो टोटल मसाले हैं जो इस रेसिपी में जाएंगे। एक छोटा कप इसमें पानी भी डाल देंगे, और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों की हमने भुनाई कर लेनी है। तो माशाल्लाह से सबसे पहले हम बात करेंगे इस शानदार से मसाले की। देखें क्या ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। पंजाब में देहात में अक्सर इस मसाले के साथ भी रोटी खा ली जाती है। अगर यहाँ पे आपने इस मसाले को चख लिया ना, तो यकीन माने आप इसे ऐसे ही रोटी के साथ खा जाएंगे। अब इसमें डालेंगे जनाब लौकी की सब्ज़ी। कुछ इलाकों में इसको घिया कद्दू बोला जाता है, कुछ इलाकों में इसको लौकी बोलते हैं, और कुछ इलाकों में सिंपल कद्दू बोलते हैं। आधा किलो मैंने कद्दू की सब्ज़ी ली है, बिल्कुल बारीक काट लिया है, और 1 पाव इसमें मैं दाल चना शामिल करूँगा। दाल चना आपने कैसे शामिल करनी है, पहले आपने दाल को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको ना पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 6 घंटे के लिए। मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाता, ये ऐसे ही मज़े की बनती है। प्रेशर कुकर में सब्ज़ियाँ ज़्यादा गल जाती हैं लेकिन पकती नहीं हैं, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके से ही बनाइएगा, अच्छी बनेगी। पानी डाले बगैर आपने 5 मिनट के लिए कद्दू और दाल को इस शानदार सी ग्रेवी के साथ भून लेना है। लौकी की सब्ज़ी और दाल चना को 5 मिनट के लिए हमने ग्रेवी के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, भून लिया है। 1 बड़ा कप भर के इसमें पानी डालेंगे। पंजाब में लौकी और दाल चना की सब्ज़ी को क्यों मशहूर माना जाता है, एक छोटा सा सीक्रेट है, गांव में डाला जाता है, ये है जनाब 3 अदद खुश्क लाल मिर्चें। ये डालिएगा और फिर इस चटखारेदार सब्ज़ी को देखिएगा क्या टेस्टफुल और ये मज़े की बनती है। हर घर में रखी होती हैं, बाज़ार से भी आपको मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, शोरबा नहीं बनाना। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, हल्का फ्लेम करेंगे और सिर्फ 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे।
तो व्यूवर्स यहाँ पे हमने लौकी दाल चना की सब्जी को ना दम लगा के पका लिया है 20 मिनट। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो मैंने और डाल दिया था। मिक्स करने से पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और इसके साथ जनाब इसमें डाल देंगे यहाँ पे 3 अदद ये वाली फ्रेश सब्ज़ मिर्चें और ये है मेरे पास कसूरी मेथी। इससे जो टेस्ट आता है ना खानों में, अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी सब्जियां दाल भी बहुत ही टेस्टफुल हो जाती हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा महकता है और ये तकरीबन 2 से 3 घरों में इसकी खुशबू जाती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, जो लोग पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं सबसे पहले जनाब आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमें मोहब्बत दी हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर देना है। मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से दाल और कद्दू के अंदर आ जाए। तो व्यूअर्स 5 मिनट हमने मज़ीद पकाया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त रंग आया है। एंड पे जनाब इसमें डालेंगे ये है मेरे पास खुश्क धनिया, कुछ और डालिए ना डालिए, ये वाला एंड पे आपने ज़रूर डालना है, इससे जो टेस्ट बनता है ना दाल और लौकी की सब्ज़ी का कमाल कर जाती है ये चीज़। ये देखें जनाब, कोई ज़रूरत नहीं इसको तड़का लगाने की, ना कोई गरम मसाला ऐड करने की, आपके सामने है क्या ज़बरदस्त शानदार अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसकी फाइनल लुक आज आपने मिस नहीं करनी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पंजाबी स्टाइल में बनाए गए लौकी दाल चना की सब्ज़ी किस कदर लजीज और अल्हम्दुलिल्लाह देखें खूबसूरत तैयार हुई है। इस तरीके से बनाइएगा, ना कोई तड़का लगाने का झंझट और ना ही ज़्यादा मसालों का, बड़ी मज़े की बनती है। आप देख सकते हैं सादा सी रेसिपी है, सादा तरीके से बनाई जाती है, खाइए खुद भी फैमिली को खिलाइए, आप सबको ये पसंद आएगी। करना अब आपने क्या है, कल जब आपने इस वीडियो को देखना है और रेसिपी को ट्राई करना है ना, तो आपने वीडियो को लाइक करके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और फीडबैक मुझे लाजमी देना है। ये भी बताइएगा किस जगह से आप मेरी वीडियोस को देखते हैं ताकि हम नाम लेके आपका, आपके प्यारे गांव का, प्यारे शहर का, प्यारे मुल्क का आपका शुक्रिया अदा कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद, खुदा हाफिज़।